हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि निफ्टी जो है तो करंट मंथ के लिए ट्रेड कर रहा है लगभग 27 पॉइंट गेन के साथ। और ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने लगभग 17 पॉइंट का लॉस देखा था। निफ्टी बंद हुआ है 16,604 पे और यहाँ हमने ऊपर 16,800 के लेवल देखे थे लगभग। वहाँ से जो है तो अच्छा खासा प्रेशर आके यहाँ निफ्टी बंद हुआ है फ्लैट नेगेटिव फॉर द डे। और मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न है। यहाँ निफ्टी जो है तो आपको धीरे धीरे निचले लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म करेक्शन शायद आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ 14,700 और उसके बाद में 13,500 या फिर 13,600 के टारगेट आप पकड़ के चलिए विद लॉन्ग टर्म होराइजन। यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ 16,800 16,900 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट। मुझे लगता है उन लेवल पे आते ही आपको जो है तो अच्छी खासी दिखवाली देखने को मिल जाएगी। अभी वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट 3 वीक से निफ्टी जो है तो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। इस वीक हम जो है तो लगभग 1.7% ऊपर बंद हुए हैं लगभग 278 पॉइंट गेन के साथ। लास्ट वीक 73 पॉइंट और उससे पहले जो है तो लगभग 466 पॉइंट गेन के साथ हम बंद हुए थे। यहाँ वीकली चार्ट पे हम जो है तो 50 वीक का एवरेज है उसके अराउंड जो है तो ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ जो है ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ सप्लाई आ सकता है मार्केट में। अगर निफ्टी अगर ये लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो यहाँ जो है और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो आपको ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता है तो हम जो है तो धीरे धीरे 14,700 और 13,500 के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी करंटली मुझे ज़्यादा लगती है। तो यहाँ ऊपर की तरफ जो है तो ट्रैप भी बना सकता है मार्केट। वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक जो है तो आपको बेरिश भी वही रखना चाहिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ जो है तो बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकते हैं निचले तरफ जो है तो फिर से आपको 15,800 और उसके बाद में 14,700 ये लेवल जो है तो देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे अभी मार्केट जो है तो रिकवरी फेज में है। लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि ब्रेक डाउन करने के बाद रिकवरी कितनी शार्प हुई थी और हमने फिर से 18,200 के हाई देखे थे, मगर वहाँ से फिर से हमने 15,800 15,600 के लो देखे थे। तो यहाँ अभी तक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें जो है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो एक अच्छा खासा सप्लाई दे सकता है। और यहाँ हम फिर से 15,800 और उसके बाद में 14,700 के लेवल निफ्टी पे आते हुए देखेंगे। अभी डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने जो है तो 200 डेज का जो एवरेज था उसके अराउंड रिसेंट लिया है और वहाँ से नीचे आकर बंद हुए हैं। यहाँ एसजेक्स निफ्टी भी जो है तो लगभग 120 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ जो है तो मंडे के दिन मुझे लगता है कि 16,450 490 ये सपोर्ट जोन रहेगा। अगर हम 16,400 के नीचे जाते हैं फॉर द मंथ तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और उस सिनेरियो में जो निफ्टी के टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 15,000 और 14,500 के अराउंड फॉर द मंथ। अगर हम 16,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको एक रिवर्सल रैली देखने को मिलेगी, जिसका जो टारगेट रहेगा लगभग वो रहेगा 17,300 400 तक। एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। करंटली ट्रेंड जो है तो रिकवरी साइड है, मोमेंटम बुलिश साइड है और यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम जो है तो 17,000 और 17,350 के लेवल देख सकते हैं। वहाँ भी मेरी खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। वहाँ हम जिन्होंने भी बॉटम पे लिया है इस लेवल पे उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो जब तक अच्छे खासे पॉजिटिव नहीं बनते तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है तो कॉशियसली रखना चाहिए या फिर बेरिश रखना चाहिए। निचले तरफ मंडे के दिन के लिए आपको जो है तो 400-450 का लेवल सपोर्ट जोन है, वहाँ से फिर से बाउंस बैक आ सकता है। टारगेट रहेंगे 750 और 800 के। अगर हम 400 के नीचे क्लोज करते हैं तो आपके जो टारगेट रहेंगे फॉर द मंथ और ये जो जून सीरीज है उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 15,900, उसके बाद में जो है तो 15,600 और बाद में 15,000 के टारगेट आपको निफ्टी दिखा सकता है। यह शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है निफ्टी और शायद हो सकता है कि यहाँ जो है तो बियर्स
उसको ट्रैप करके मार्केट जो है तो ऊपर एक सरप्राइजिंग मूव दिखा सकता है, और फिर से जो है तो लॉन्ग को ट्रैप करेगा वो 17,350 के अराउंड, 400 के अराउंड, और फिर से जो है तो निचले लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ करंटली मेरा व्यू रहेगा लॉन्ग साइड का फॉर मंडे, अगर 400 के अराउंड मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना चाहूँगा। मेरे टारगेट रहेंगे 16,750-800 के। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो मंडे के दिन अगर 16,400 के अराउंड दिखता है मार्केट तो हम बाय करेंगे विद स्टिक स्टॉप लॉस, जो 16,400 का कॉल ऑप्शन है एट द मनी का, उसमें एक्युलेशन करेंगे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर पे, और टारगेट रहेगा 16,750-800 के, जो एक से दो दिनों में आ सकते हैं। वीकली नेक्स्ट वीक के लिए जो है तो आपको 16,800 का लेवल देखना है, अगर वो क्रॉस करता है तो 17,000 और 17,300 ये टारगेट बनेंगे। अगर उसके नीचे रहते हैं तो हम जो है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। मार्केट जो है तो 16,400 और 16,800 के बीच में ही घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। जैसे 16,400 टूटता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस तो आप जो है तो बेरिश जा सकते हैं मार्केट पे, जिसमें आपको 15,900, 15,600 और 15,000 के टारगेट जो है तो इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरे कॉल्स लाइव मार्केट में चाहिए विद सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।